तो चलते हैं आप लोग को लेकर वीडियो में आगे की तरफ और बाइक साउंड की तरफ क्या सेक्सी साउंड आ रही है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। तो आप सभी स्वागत है आपके चैनल पे। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने अपने R15 V3 को फुल्ली मॉडिफाई किया है। तो मॉडिफाई करने के बाद सभी लोगों का ये सवाल आ रहा था कि कितना मुझे कॉस्टिंग पड़ा है पूरी बाइक को मॉडिफाई करने में। तो आज के ब्लॉग में मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि मुझे कितना खर्च पड़ा है पूरी बाइक को रेडी करने में, और प्रॉपर रिव्यू दूंगा कि मैंने अपने बाइक के क्या क्या चेंजेस किए और क्या कॉस्टिंग है ये सभी चीज़ की। तो ये वीडियो आप लोग पूरा देखो बिना स्किप किए हुए। तो चलो डायरेक्ट आपसे मिलते हैं अपनी बाइक पे और फिर आपसे करते हैं बातचीत, और फिर आप लोग लेके चलते हैं अच्छी सी लोकेशन पे और वहाँ पर आप लोग को प्रॉपर बताएंगे सब कुछ डिटेल में। तो वीडियो हमारे साथ कंटिन्यू बने रहो, चलो मिलते हैं अपनी बाइक पे। तो चलो भाई लोग करते हैं अपनी बाइक को स्टार्ट। तो आप लोग ये साउंड चेक करो। तो भाई लोग, फिलहाल तो मैंने अपने बाइक की एग्जॉस्ट पे लगा रखा है डीबी किलर, जिसकी वजह से साउंड काफ़ी ज़्यादा अभी लो है। भाई डीबी किलर मैंने इस वजह से लगा रखा है क्योंकि भाई डीबी किलर निकालने के बाद काफ़ी ज़्यादा लाउड हो जाता है साउंड एग्जॉस्ट का, और ऊपर से भी सुबह का समय है। तो भाई सिटी में तो निकाल के चलना भाई पॉसिबल नहीं है क्योंकि सभी लोग को प्रॉब्लम होगा, सभी लोग अभी सो रहे होंगे। तो भाई हमारा जो फ्रेंड अमृत है जिसके पास MT15 है, वो उसको मैंने कॉल कर दिया है और उसे मैंने बोला है कि टूल कैरी कर लेने के लिए। तो वो जब टूल बॉक्स लेकर आता है तो मैं आप लोगों को डीवी किलर निकाल कर भी साउंड चेक करवाऊंगा। तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू से बने रहो। चलो चलते हैं, आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो भाई लोग, आज का मीटअप पॉइंट हम लोग का है पानी टंकी चौक, और वहाँ से सभी लोग ज्वाइन करेंगे। और आज बाइक की लाइनअप की बात करूँ तो भाई हम लोग के साथ है MT15, यश भाई की RC390, और भाई डॉन गया की R15। और भाई सुबह का टाइम है भाई, घूमने का ना मज़ा ही अलग है, नेक्स्ट लेवल। मॉर्निंग के टाइम में जो आप लोग बाइक राइड करते हो ना भाई, ये हम लोग के लिए एक थेरेपी टाइप का, मतलब सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है भाई सुबह के टाइम में बाइक राइड करके, क्योंकि काफ़ी खाली रोड रहता है और बाइक भगाने में काफ़ी ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो भाई लोग, हम लोग फाइनल पहुंच गए पानीटंग चौक पे, और अभी यहाँ पर कोई भी नहीं आया, बट अमृत भाई से बात हुई है मेरी, वो बोले 5 मिनट से मैं आ रहा हूँ। तो वो लोग के आने के बाद राइड कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल आप लोग अपनी बाइक को देखो, क्या ही सेक्सी लग रही है। कल मैंने इसे वॉश किया है और पॉलिश किया है, तो आप देखो क्या ही लग रही है अपनी बाइक। जैसे सेकंड मैं टेल टैडी को फोल्ड करके दिखाता हूँ। अब आप लोग देखो अपनी बाइक क्या ही सेक्सी लग रही है। तो भाई लोग, काफ़ी ज़्यादा वेट करने के लिए फाइनली भाई लोग आ चुके हुए। तो देखो आप लोग, ये रहे यश भाई, और ये अपने अमृत भाई, और पीछे आ रहे अपने शिवम भाई। तो चलो करते हैं राइड कंटिन्यू और फिर से मिलते हैं आपसे अपनी बाइक पे। तो भाई लोग, सभी लोग निकल चुके हुए और चलो हम लोग भी चलते हैं। सो गाइस, अभी शिवम भाई से बात हुई, वो अपने किसी फ्रेंड को पिक करने गए हैं, तो वो हम लोग को ज्वाइन करेंगे फिर अघोड़िया बाजार चौक पे। तो चलो चलते हैं आप लोग को लेकर वीडियो में आगे की तरफ और भाई साउंड के थोड़ा बहुत क्या सेक्सी साउंड आ रही है। वाओ, और देखो सामने शिवम भाई आ चुके हैं। तो भाई लोग, भाई का भी चैनल है डॉमी ब्लॉग्स के नाम से, भाई काफ़ी तगड़ा राइड करते हैं, तो आप लोग भाई भाई को सपोर्ट करो। भाई गया,
ये क्या हो गया, क्रैश हो गया यार। मतलब क्रैश तो नहीं, मैंने बैलेंस कर लिया। ये सब कुछ पिछला ABS जो वर्क नहीं कर रहा उस वजह से हो रहा है। ओ भाई 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 भाई, अपना पिछला ABS नहीं वर्क कर रहा, जिस वजह से मैं दो बार भाई मतलब मैंने बैलेंस किया पहले स्टार्टिंग में, तो वो सब तो बैलेंस फिर भी हो गया, बट एक जो था भाई वो पूरा पूरी मतलब वो जो पूरा था ना, मैं क्रैश होते होते बचा कि राइड कंप्लीट करने का। डायरेक्ट मैं जाऊँगा यहाँ का सर्विस सेंटर और पिछली जो ब्रेक की प्रॉब्लम उसे सॉल्व करवाऊँगा। सो गाइज, यहाँ पर अपन रुकने वाले हैं। ये रूप बसंत आप लोगों को पता ही होगा, जो कि रामदयालु और तुर्की के बीच में जो हाईवे है, रामदयालु से जो तुर्की के हाईवे बीच में, यहाँ पर ये रूप बसंत है। तो यहाँ पर रुकते हैं और यहीं पर आप लोग को प्रॉपर अपनी बाइक का डिटेल दे देंगे। तो भाई आज का सीन भाई बहुत मतलब क्रेजी, क्या बताऊँ मैं। मतलब एक तो एक्सीडेंट होते होते बचा, मतलब ऑलमोस्ट हो गया, तो मैंने बैलेंस कर लिया। और चलो फिर आगे आप इस करते हैं वीडियो के बाद, और आप लोग को दिखाते हैं अपनी बाइक और सब कुछ बताते हैं कि कितना खर्च पड़ा है मुझे सब कुछ चेंजेस करने में। सो गाइस, अपनी बाइक का लुक आप लोग देख लो यहाँ से, और लुक तो आप लोग को सिनेमैटिक में देखने मिलेगा ही। और भाई बाइक की कलर की बात की जाए तो भाई इसमें मेटालिक पेंट किया गया, मेटालिक ब्लैक। और इसको आप लोग दूर से देखोगे ना तो आप लोग को देखो कुछ इस टाइप की दिखेगी, और जब हम लोग आपको पास लेकर चलेंगे तो आप लोग देखो कलर, आप लोग को छोटे छोटे बॉल्स दिखने को मिल रहे होंगे, ये ग्लिटर्स है। तो भाई ये जो पेंट है ये क्रेटा कार पे भी होता है, तो वही पेंट कराया हम लोग अपने बाइक पे। और इसकी कॉस्टिंग की बात की जाए तो भाई अप्रॉक्स 5,000 से 6,000 रुपये मुझे इसकी कॉस्टिंग पड़ गई, मतलब 5,000 मैं बोल सकता हूँ, तो 5,000 मुझे इसकी कॉस्टिंग पड़ी है पेंट की सिर्फ। और सामने तरफ आते हैं भाई, तो सामने तो रैप है तो इसका तो मुझे चार्ज लगा नहीं है, बट इसके अंदर से भाई DRS लगे हुए हैं, तो DRS मुझे पड़ गए 2,000 के समथिंग। तो भाई DRS मुझे 2,000 समथिंग पड़े हैं, और DRS भाई दो कलर के, एक येलो और एक वाइट। और भाई अब चलो आप लोग को एग्जॉस्ट के बारे में बताते हैं। एग्जॉस्ट भाई इसमें 3500 का एग्जॉस्ट है, 3500 की एग्जॉस्ट दी गई है इसमें एकड़ा पॉबिक की, देखो आप लोग एकड़ा पॉबिक की एग्जॉस्ट है। और भाई बेंड पाइप जो कि मैंने श्याम ऑटो सीरीज पटना से बाई किया था, तो इसके ऐसे नॉर्मल प्राइस है भाई 2500 से 3,000, बस श्याम ऑटो सीरीज में हम लोगों को इसे पड़ा है सिर्फ 2,000 रुपये में, सिर्फ और सिर्फ 2,000 भाई ये मैंने बेंड पाइप खरीदा था। और भाई एग्जॉस्ट की बात की जाए तो भाई ये 3500 का एग्जॉस्ट है, बट मैंने सिर्फ और सिर्फ ये 1300 में लिया अपने फ्रेंड सार्थक से। सो गाइस, आप लोग बाइक को इधर से देखो, यहाँ पर टैंक के सेंटर में मैंने लगाया है ये पैड जो स्क्रैचेस वगैरह बचाएगा बेल्ट से। और भाई पीछे का जो बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा है ना वो आप थोड़ा इग्नोर करना, क्योंकि भाई सुबह का समय और ट्रक वगैरह यहाँ से आ जा कर रहा है, तो ट्रक वगैरह यहाँ पर चल रही है तो भाई नॉइज़ थोड़ा सा आएगा ही, क्योंकि मैं माइक कैड नहीं किया हूँ। और भाई चलो आप लोग को मैं यहाँ का बताता हूँ सिस्टम। अपनी बाइक स्टार्ट करने पर भाई जो नॉर्मल आता है वो तो है ही, और ये देखो आप लोग ये जो स्विचेस मैं बता दूंगा क्या सेटिंग है। इधर साइड से जब मैं ऑन करूँगा ना, जब मैं इधर से स्विच ऑन करूँगा तो आप लोग देख लो लेफ्ट साइड से ऐसा येलो लाइट आएगा इंडिकेटर से, और सामने वाली DRS येलो जो है वो वर्क करेगी, देखो आप लोग। तो ये अभी देखने में आप लोग को उतनी अच्छी नहीं लग रही है क्योंकि सुबह का समय और DRS भाई अंदर लगी है ना, तो लाइट थोड़ा डाउन हो जा रहा है। और भाई इधर का स्विच जब आप ऑन करोगे तो भाई येलो के साथ साथ ब्लू भी वर्क करेगा इंडिकेटर्स। और पीछे से आप लोग देख लो, पीछे का इंडिकेटर कुछ इस तरह का है, पीछे भी भाई येलो और ब्लू के इंडिकेटर्स हैं। तो इसकी कॉस्टिंग मुझे पीछे की भाई 300 समथिंग पड़ी थी इंडिकेटर्स की दोनों की, और भाई इधर आगे के साइड का जो है ये मुझे 450 की समथिंग पड़ी थी, क्योंकि ये भाई पूरा बॉडी के साथ अटैच होता है, डबर वगैरह दिया गया सपोर्ट के लिए, तो भाई ये थोड़ा सा कॉस्टली आता है। सो भाई देखो आप लोग, ये लीवर है ना, ये लीवर टूटा हुआ है, ये मुझे चेंज करना है। एक आता है मॉडिफिकेशन में ये एडजस्टिंग वाला, वो लीवर डलवाना है मेरे को अपनी बाइक पे। और एक जो अमृत बाइक के जो गार्ड लगा हुआ है ना, हैंडल गार्ड, वो भी अपने को लगवाना है। तो ये थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन बाकी है, बाकी भाई अपनी बाइक पूरी रेडी हो चुकी हुई है। देखो भाई लोग क्या ही सेक्सी लग रही है अपनी बाइक। गाइज अमृत भाई टूल बॉक्स कैरी नहीं किए, तो कोई बात नहीं भाई, जितना मतलब एग्जॉस्ट का साउंड मैंने सुना है डीवी के साथ वो काफ़ी था। सो गाइज यहीं पे करते हैं ये वाला ब्लॉग को एंड, मिलते हैं आप तो जल्दी इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तो भाई आप लोग को मैंने जितना डिटेल दिया भाई
वो आप लोग मतलब ऐड कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैंने ऐड किया नहीं अभी तक, क्योंकि भाई बाइक से मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो भाई ऐड करके क्या फायदा, जितने भी खर्च होगी भाई मैं बाइक पे करूँगा ही। और अभी थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन बाकी है तो वो भी होगा, तो वो सबका वीडियो मैं अलग बना के डाल दूंगा सेपरेट। तो भाई मिलते हैं आप जल्दी किसी अपने इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, इसलिए ब्लॉग करते हैं यहीं पर एंड। तो बाय बाय गाइस, अपना ख्याल रखो, मिलते हैं जल्दी आप किसी नए ब्लॉग के साथ। अभी के लिए बाय बाय।